हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब जो सेशन है वो चेंज हो चुका है और जो हमारे जो कक्षा 5 के बच्चे या कक्षा 8 के बच्चे जो भी विद्यालय जैसे हैं वो पास आउट हो चुके हैं, तो उनके TC बनने हैं और अन्य बच्चों को प्रमोट करना है। तो प्रेरणा पोर्टल पर हमें क्या क्या काम करने हैं, उन सभी कामों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रेरणा पोर्टल को सर्च करते हैं और उसके बाद में आपको मिशन प्रेरणा, जैसा कि यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद में एक न्यू इंटरफेस खुलेगा इस टाइप का, और इसमें ये फैमिली आईडी से संबंधित एक ऐड है उसको हम हटा देते हैं। और इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर ये जो क्रॉस आ रहा है इसे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बैंक डेटा अपलोड, जैसा कि हर बार करते रहे उसी टाइप से यहाँ पर करेंगे। बैंक डेटा अपलोड को क्लिक करेंगे और यहाँ पर टीचर लॉगिन जो आ रहा है उसे क्लिक कर देंगे। जैसे टीचर लॉगिन को क्लिक करेंगे, यहाँ लॉगिन विथ न्यू अपडेटेशन और बैंक अपलोड, ये दोनों में से किसी एक को आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर दे रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारा पेज ओपन है ये PC मोड में, यानी कि डेस्कटॉप मोड में है। डेस्कटॉप मोड आप कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऊपर राइट साइड में जो 3 डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर आएंगे तो ये आपको डेस्कटॉप साइट लिख करके आ जाएगा। तो इस बॉक्स को आपको क्लिक करना है। जैसे हम एक बार यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सही का निशान बन के आएगा। तो इस प्रकार से ये डेस्कटॉप मोड लग जाएगा। अब यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वाला लिख दे रहे और उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, जिससे कि OTP जाएगा। तो यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में सेंड ऑथेंटिकेशन SMS, इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल पर जो SMS है वो भेज दिया गया है। ये देखो OTP आ गया है 3061। तो इसको अब हम नीचे यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो लॉगिन लिखा है इसे लॉगिन कर देंगे। तो इस प्रकार आसानी से आप कंटिन्यू करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं वो लिखी हुई हैं। नंबर एक, सत्र 2023-24 के छात्र छात्रा प्रमोट तथा पास आउट कर दिए गए हैं। यदि कोई भी छात्र छात्रा पिछले सत्र में पास आउट हो गया है तथा इस सत्र में किसी अन्य विद्यालय में पंजीकरण लेना चाहता है तो उन छात्र छात्राओं का नवीन पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ कर दिया गया है। इस विद्यालय में अगर पढ़ रहा है, अगले विद्यालय में नेक्स्ट किसी भी विद्यालय में अगर वो जाना चाहता है तो उसका न्यू पंजीकरण, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसको यहाँ से स्टूडेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। और सभी अध्यापक सत्र 24 और 25 के छात्र छात्रा को वेरीफाई कर लें। यदि कोई छात्र छात्रा विद्यालय में नहीं है तो उसे डिलीट कर दें। यहाँ पर एकदम स्पष्ट है, हर चीज़ स्पष्ट कर दी गई है। अब थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ से आप देखेंगे पूरा डिटेल आपके विद्यालय का मिल जाएगा यहाँ से। और इसके बाद में अभी जो वर्तमान में कक्षा 5, जैसे हमारे 5 तक का विद्यालय है, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स अब बचे हैं 5वीं वाले बच्चे पास होने के बाद में, उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। तो टोटल स्टूडेंट 45 हैं। और इसके बाद में नॉट नंबर ऑफ वेरीफाइड स्टूडेंट्स 0, क्योंकि अभी पर हमारे विद्यालय में कोई भी बच्चे को वेरीफाई नहीं किया गया है। रिमेनिंग स्टूडेंट 45 है। और उसके बाद में नीचे आएंगे तो स्टूडेंट 39, उसके बाद स्टूडेंट आधार नॉट वेरीफाइड 3, स्टूडेंट आधार नॉट अवेलेबल 3, पेंडिंग स्टूडेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन 3। तो इस प्रकार से ये डिटेल आपकी 45 स्टूडेंट्स की यहाँ पर दिख रही है। अब यहीं पर आप देख रहे हैं ये कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट ट्रांसफ़र, यहाँ पर पहले ही मैंने निर्देश जो भी थे वे मैंने पढ़ के बताए। और फिर से आप समझ लें, यदि कोई बच्चा जिसने अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है उसको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में करेंगे, और यदि कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा है और अब आपके विद्यालय में वो आना चाहता है तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये यहाँ पर प्रोसेस रहेगी। अब देखते हैं जो विद्यालय में हमारे बच्चे हैं कक्षा 5 को छोड़ करके, उनके साथ आपको क्या करना है। सपोज दैट पहला ही बच्चा ले लेते हैं, क्या क्या काम इसमें करना है, और इसको हम थोड़ा पीछे बैक साइड देखते हैं। ये पूरे बच्चे का डिटेल यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद में यहाँ से जो काम करना है वो करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट को वेरीफाई करना है। यदि बच्चा आपके विद्यालय में ही पढ़ना चाहता है तो यहाँ से आप उसे वेरीफाई कर दें। यदि बच्चा यहाँ से जाना चाहता है, टीसी कटवाना चाहता है या अपना नाम कटवा के चला गया, तो उस स्थिति में आपको यहाँ से ये ऑप्शन क्लिक करना होगा। इसके बाद में क्लास यदि चेंज करना है तो यहाँ से आप क्लास भी उसका चेंज कर सकते हैं। SR नंबर यदि बदलना है तो SR नंबर को एडिट कर सकते हैं। और यदि बच्चा विकलांग है, CWSN श्रेणी में आता है समर्थ के लिए, तो यहाँ से आप उसे क्लिक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हर बच्चे के लिए करनी है जो भी आपके में ऑलरेडी रजिस्टर्ड बच्चे हैं। अब कोई बच्चा अगर आपके यहाँ नया आता है किसी दूसरे विद्यालय से, तो उसको आप स्टूडेंट ट्रांसफ़र में लेंगे। और यदि बच्चा आपके यहाँ आता है, न्यू है, जिसका कहीं भी एडमिशन नहीं है, उस बच्चे को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में लेंगे। तो इस प्रक्रिया को आपको करना होगा। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं इस बच्चे को वेरीफाई करने के लिए क्या ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में आएगा कि अच्छा छात्र की जानकारी सही है, यदि हाँ तो ओके बटन पर क्लिक करें, अन्यथा कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद में टीसी जनरेट के लिए अगर बात करें तो इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल आपको भरना होगा, जैसे बच्चे का यूनिक नंबर जो है वो, नाम, इसके बाद क्लास, इसके बाद रीजन, किस कारण से इस बच्चे को यहाँ से आप डिलीट कर रहे हैं, डुप्लीकेट पंजीकरण के कारण या कक्षा उन्नति हो गई इसलिए, या अपने घर के कार्यों में लगा रहना, गरीबी के कारण, कचरा बीनना, स्टेशन, बस स्टैंड, गैरेज, फैक्ट्री में काम करना, ईंट भट्टों, खदानों में काम करना, पलायन, आकस्मिक निधन, गंभीरता पूर्वक जो गंभीर दिव्यांगता है, परिवार घुमंतु होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण, या टीसी जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी जो भी ऑप्शन है उसे आप डाल दें। उसके बाद में कमेंट लिख दें और टीसी जो आप काट रहे हैं तो उसका नंबर, उसका डेट, और उसके बाद में अपलोड टीसी सर्टिफिकेट, यहाँ से आपको टीसी भी अपलोड करनी होगी। यदि बच्चा कक्षा एक से लेकर के चार तक का कोई बच्चा आपके विद्यालय से जाता है, उस स्थिति में इसका आप प्रयोग करेंगे। कक्षा पाँच के लिए ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ से क्लास भी एडिट किया जा सकता है, जैसे बच्चा किस क्लास का है, यहाँ से आप उसका क्लास भी चेंज कर सकते हैं, SR नंबर वगैरह वगैरह। तो ये प्रक्रियाएं आपको हर बच्चे में करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज तक जो सबसे पहला काम है प्रेरणा पोर्टल पर वो यही करना है, और ये उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। और नेक्स्ट टाइम में जो इसमें और भी जानकारियाँ अपडेट होनी है वो इस प्रकार से रहेंगी कि सबसे पहले यहाँ पर मैपिंग की बात आ रही है, स्टूडेंट मैपिंग, विच आर नॉट इनरोल्ड इन प्रेरणा बट देयर सिबलिंग आर इनरोल्ड, और इससे संबंधित अन्य भी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं, आंगनवाड़ी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए 22-23, अन्य जो भी जानकारी है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें नोट करना चाहिए, जिनको समझना चाहिए। इसी प्रकार यूटिलाइजेशन DCF 2023-24 यदि नहीं भरा है, VRS डाटा है, काफ़ी कुछ इसमें इंफॉर्मेशंस हैं जिनको हमें अंकित करना चाहिए, जानकारी करना। यदि इसमें कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको हम वो सूचनाएँ देंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप हमें मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं।